TNN वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। ऊपर से नहीं, नीचे एक गाड़ी पे बम था। हाँ हाँ। तो ऐसी नहीं है, कार में बम नहीं था, ऊपर से ड्रोन ने मारा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने बोला कि हम जाएंगे, जैसे ये लोग जाएगा तो वहाँ पर बम करेगा और मरवा देगा सबको। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आपका क्या नाम है? निजात। निजात, आप भी पढ़ते हो? यस। अच्छा, यहाँ हिंदी आती है आपको? नो, हिंदी आती है थोड़ी। तो स्कूल में कैसा है, इंग्लिश लैंग्वेज है आपको? हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश है। और यहाँ खेलते हो? हाँ। आपको भी हिंदुस्तान के बच्चों की तरह ही पूरा अपॉर्चुनिटीज मिलता है? हाँ सर, कुछ। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पता है क्या क्या हो रहा है भारत में? 370 हटा दिया गया कश्मीर में, पता है कुछ? नहीं, कश्मीर के नहीं तो काबुल के पता है। अच्छा, काबुल का पता है। काबुल में अटैक, काबुल में जो अटैक हो गया था, अब न्यूज़ में बोला था कि न्यूज़पेपर में कि ये ऊपर से नहीं, नीचे एक गाड़ी पे बम था। हाँ हाँ। तो ऐसी नहीं है, कार में बम नहीं था, ऊपर से ड्रोन ने मारा है। अच्छा, ड्रोन ने मारा है। हाँ। कह रहे हैं कि वहाँ 100 लोग घायल हो गए, 20 लोग मारे गए हैं, वो ये सच है? क्या लगता है आपको, कौन करवा रहा है ये सब? हाँ, कभी कभी तो तालिब लड़ाई भी करते हैं और दोस्त भी होता है तालिबानी, और पाकिस्तान भी बहुत करता है कि ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान क्यों इतना एक दूसरे की मदद करता है और क्यों ये लड़ाई नहीं करता है, इसलिए हमारे देश को भी ख़राब करते हैं और यहाँ पर भी कश्मीर में लड़ाई करते हैं। कश्मीर में? हाँ, तो कश्मीर में तो हमने 370 हटा दिया है, तो लेकिन काबुल में जो इस तरह का अटैक करवाते हैं वो लोग, आपको क्या लगता है बच्चों पर क्या असर, आप लोगों पर क्या असर पड़ता है? हमें आज़ादी चाहिए और नहीं करें। अच्छा, आपके जो यहाँ पे जो दोस्त वगैरह होंगे वो हिंदुस्तान के हैं या फिर आप अफगानिस्तान वालों से ज़्यादा दोस्ती करते हो यहाँ के? हिंदुस्तान वालों से भी दोस्ती है और अफगानिस्तान वाले भी से। हमें कैसे लगते हैं वो लोग? वो फ़र्क नहीं करते है, दोनों एक जैसे होते हैं, दोस्त तो दोस्त होते हैं। बिल्कुल। और वो लोग कोई फ़र्क करते हैं? नहीं, वो भी दोस्त। अच्छा, तो हिंदुस्तान में अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा है कि इसलिए अफगानिस्तान में तो एक घंटा क्या होता है, आराम ही होता है, दूसरे घंटे में बम होता है। यहाँ तो पर आराम रहे हो? हाँ, रहे हो तो डर लगता होगा ना वहाँ पे तो? हाँ, वहाँ पर बहुत डर लगता है। अच्छा, अगर आपको वापस जाने के लिए अफगानिस्तान कहा जाए तो आप जाना चाहोगे? नहीं। और अगर पाकिस्तान वालों ने कहा कि भाई हम आपको सुरक्षित रखेंगे तो जाओगे? नहीं, वो जो पाकिस्तान ने बोला कि हम जाएंगे, जैसे ये लोग जाएगा तो वहाँ पर बम करेगा और मरवा देगा सबको। भारत में अच्छा लग रहा है? भारत में अच्छा। अपना नाम बताओ? साहिल। कब से रह रहे हो यहाँ? 2 साल से। इसके पहले पाकिस्तान में थे? नहीं, अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान में थे। तो क्या लगता है कौन करवा रहा है ये सब अटैक? ये बहुत से पाकिस्तानी भी है। अच्छा, और अपने अफगानी। अच्छा, अफगान के लोग भी है पाकिस्तानी। हाँ। पाकिस्तानी क्यों करवाता है अटैक, पता है आपको? नहीं। हाँ, ये तो पहले से ही वो थे, लड़ाई थी है हमारी, लड़ाई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाँ। अच्छा, और आपको यहाँ अच्छा लग रहा है इंडिया में रह के? बहुत अच्छा। अफगानिस्तान अगर सेफ हो जाए तो आप वहाँ जाना चाहोगे, भारत में रहना चाहोगे? और अगर पाकिस्तान बुलाता है तो क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? पाकिस्तान तो जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि हमारे देश को ये ऐसे करा तो उस देश में रहने तो अच्छा की। दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं, भारत और अफगानिस्तान।